माय डियर स्टूडेंट नमस्कार। तो आज हम आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर जो यूनिट 5 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको देने चाह रहे हैं। तो बहुत सारे प्रश्न, लेकिन हम आपको सिलेक्टेड प्रश्न ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, पेप्सिन बचाता है, तो पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ए, ट्रिप्सिनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित किया जाता है, तो सी, सेक्रेटिन द्वारा। पित्त में निम्न शामिल है, तो पित्त में तीन प्रकार के एंजाइम होते हैं। आमाशय किसका पाचन स्थल है? तो यह प्रोटीन का, आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। ट्रिप्सिन का अग्रदूत किसके द्वारा सीक्रेट होता है? तो ये सी, यकृत द्वारा होता है। सीक्रेटिन निम्न के उत्पादन को उत्तेजित करता है, इसका डी, अग्नाशय रस को, सीक्रेटिन अग्नाशय रस। मनुष्य में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली लार की मात्रा कितनी होती है? सी, 1 से 1.5 लीटर। अग्नाशय रस का स्राव किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है? तो ये बी, एंटेरोकाइनेज के द्वारा। जठर ग्रंथियों के जायमोजन कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं, इसका डी ऑप्शन सही है, पेप्सिनोजेन। कोलिसिस्टोकाइनिन उत्तेजित करता है, इसे सीसी के भी कहते हैं, तो ये पित्ताशय को उत्तेजित करता है। काइमोट्रिप्सिन का एक घटक है, तो अग्नाशय रस। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट निम्न में से सक्रिय होता है? तो बी, आरबीसी में सक्रिय होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम। सीओ और हीमोग्लोबिन के बीच बंधुता कितने गुना होती है? तो ये 200 गुना, यानी 150 से 200 गुना होती है, सी ऑप्शन सही है। न्यूमेटिक और इनहिबिटरी केंद्र किसके साथ जुड़े होते हैं? तो सी, ब्रीदिंग के साथ जुड़े होते हैं। मानव के फेफड़े की कुपकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 300 से 400 मिलियन होती है। कितनी होती है? 300 से 400 मिलियन होती है। मानव फेफड़े का जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 500 ml, ये ऑप्शन सही है। मानव फेफड़े का अवशेषी आयतन है, तो 1200 ml होता है, यानी कि 1.2 लीटर होता है, जो रेजिटेबल वॉल्यूम होता है। 18 है, एक मनुष्य के फेफड़े की जो एवरेज वाइटल कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? तो 3 से 4.5 लीटर, यानी कि 3000 से 4500 ml। 19 माह किसके परिवहन के लिए क्लोराइड शिफ्ट आवश्यक है? तो सी, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैकिया को चिपकने से, यानी कि कॉलेप्स होने से रोकता है? तो यह कार्टिलेजिनियस रिंग होती है। CO2 के परिवहन की प्रक्रिया RBC और प्लाज्मा के बीच कौन सी परिघटना होती है? तो बी, क्लोराइड शिफ्ट परिघटना होती है। रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता कितनी होती है? तो ये 20% होती है। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं, तो ये इसका ऑप्शन सी, अग्नाशय में नलिकाभीन ग्रंथियाँ होती हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियाँ होती हैं, तो ये लीवर होती है, बी। आमाशय का पेशी संकुचन क्या कहलाता है? तो सी, क्रमानुकुंचन। जब खाना खाते हैं तो क्रमानुकुंचन गति होती है, जब उल्टी करते हैं तो क्रमानुकुंचन गति होती है। जठर ग्रंथियों की ऑक्सीजेंटिक कोशिकाएं किसका श्रवण करती हैं? तो बी, HCL का। यकृत कोशिकाएं किसका श्रवण करती हैं? तो ये पित्तरस का श्रवण करती हैं। बिली रूबिन एवं बिली वर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पित्त में पाए जाते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग तुरातोंधी, ये सही है। मानव को एक दंतीय दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 12 होती है। मानव में उन दांतों की संख्या जीवन में जो 2 बार निकलते हैं, तो वो 20 दांत होते हैं जो 2 बार निकलते हैं, और 12 जो एक ही बार निकलते हैं। मनुष्य के दांतों का प्रमुख भाग होता है, तो जो प्रमुख भाग होता है डेंटाइन का बना होता है। ऑक्सीजेंटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं और किसका श्रवण करती हैं? तो ये जठर ग्रंथियों में पाई जाती हैं, HCL का श्रवण करती हैं, बी ऑप्शन सही है। कशेरुकों के शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो दांत का इनेमल होता है, ये ऑप्शन सही है। सत्ता सेंटेरिकस का श्रवण कौन करता है? तो इसका डी सही है, लीवर, कोहन की दरार एवं ब्रूनर ग्रंथियाँ। ब्रूनर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं ग्रहणी की अधश्लेष्मा में। तो आमाशय की दीवार की भीतरी स्तर पर एपिथिलियम होती है, तो ये होती है कलमनर, यानी कि बी, स्तंभी। वयस्क मानव का दंत सूत्र होता है, तो इसका होता है डी, 2123/2123। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं, तो अग्नाशय में पाई जाती हैं, उत्तर दिया प्रशांत महासागर में, धन है। गाय का रूमेन इसके किस अंग का भाग है? तो ये आमाशय का भाग है, डी ऑप्शन सही है। लैक्टिल्स वैक मतलब अच्छी वाहिनियाँ, यानी लैक्टिल्स कहाँ पाई जाती हैं? तो लैक्टिल्स वाहिनियाँ आंत में पाई जाती हैं, कहाँ पाए, डी ऑप्शन सही है, इसका बी दिया है। एंटी एंड्रोक्राइन कोशिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो सी, जठर ग्रंथियों और आंतरिक ग्रंथियों में पाई जाती हैं। पेप्सिन का श्रवण करती हैं, तो सी, आमाशय की जायमोजन कोशिकाएँ। 44, दांतों के इनेमल के श्रवण करने वाली कोशिकाएँ होती हैं, सी, एमिलोब्लास्ट कोशिकाएँ। 17 वर्ष से कम आयु के एक किशोर में मानव का जो दंत सूत्र होता है वो क्या होता है? 2122/2122, बी। वयस्क मानव के कौन से दांत छीर दांतों में नहीं आते, मतलब दूध के दांत में नहीं आते? तो सी, रदनक और कैनाइन।
मनुष्य के आमाशय के अंतिम अर्थात दूरस्थ भाग को क्या कहते हैं? तो पाइलोरिक भाग कहते हैं और पास वाले भाग को कार्डियक कहते हैं। सी ऑप्शन।